हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है भरवा करेले मसालेदार बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं भरवा करेले मसालेदार बना। मसालेदार भरवा करेले बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम करेले लिए हैं। इनको हमने अच्छे से छील लिया है और नमक लगा के 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है और अच्छे से इन्हें धो लिया है। साथ में ही हमने ये करेले के छिलके भी अच्छे से धो लिए हैं और नमक लगा के भी इसको भी रख दिया था। और ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। ये चाट मसाला हमने 1 चम्मच लिया है, नमक आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर हमने 2 चम्मच लिए हैं और हल्दी पाउडर हमने आधा चम्मच, 2 चम्मच हमने सौंफ लिया है और ये आमचूर पाउडर भी हमने 1 चम्मच लिया है। और ये मैंने 4 प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्च को भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। ये हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तो आइए बनाते हैं मसालेदार भरवा करेले। ये मैंने 1 सॉस पैन लिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी और प्याज के साथ ही मैं ये करेले के छिलकों को भी डाल दूंगी इसमें। इन्हें भी इसी के साथ भून लूंगी। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से भरवा करेले बनाऊंगी। और ये हमारे प्याज भून चुके हैं। अब मैं इसी प्याज के साथ ही ये हरी मिर्च डाल दूंगी और साथ ही मैं ये मसाले डाल दूंगी, सौंफ, चाट मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, नमक। इसे भी अच्छे से भून लूंगी मैं। और ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। गैस को मैं बंद कर दूंगी। मसाले को एक प्लेट के अंदर निकाल लूंगी मैं। ये मसाले को मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है और इसी सॉस पैन के अंदर मैं करेले बनाकर तैयार करूंगी। अब मैं इस मसाले को करेले के अंदर भरूंगी। अब मैं गरम गरम मसाला इस करेले के अंदर चम्मच की मदद से भरूंगी। आप चाहे इसे मसाले को ठंडा करके करेले के अंदर भरना। और मैंने करेले के ये बीज नहीं निकाले हैं, ये कच्चे बीज हैं और बिल्कुल कच्चे करेले हैं। इसी प्रकार से मैं अपने सारे करेले भरकर तैयार कर लूंगी। और ये हमारे सारे करेले भरकर तैयार हो चुके हैं। बाकी बचा हुआ मसाला मैं इसी करेले की सब्जी के अंदर यूज करूंगी। अब मैं सॉस पैन के अंदर फिर से ऑयल डालूंगी। ये हमारे पैन में ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके करेले को फोड़ दूंगी। ये पैन के अंदर मैंने सारे करेलों को डाल दिया है। गैस को मैं स्लो पे कर दूंगी और इसे मैं ढक के 1 से 2 मिनट पकने दूंगी। और अब मैं करेलों को चेक कर लेती हूँ और इनकी साइज चेंज करूंगी करेले की। देखो कितने अच्छे से सिक रहे हैं हमारे करेले। Thank you.
मीडियम ही गैस पे हमें बनाना है करेलों को। ये मैंने करेलों की साइड चेंज कर दी है। अब मैं इसे फिर एक मिनट के लिए ढक के पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं, ये हमारे करेले देखने में अच्छे लग रहे हैं। और ये बचा हुआ मसाला मैं अब इस करेले के अंदर डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिला दूंगी। ये देखो हमारी सैड़ें अच्छे से सिककर तैयार हो चुकी हैं करेलों की। देखो कितने बढ़िया से सिका है। अब मैं इसे फिर से ढक देती हूँ। आइए ये हमारे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं, मसालेदार भरवा करेले। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, करेलों को एक बाउल में सर्व करूंगी। और अब मैं इस करेले को इस ट्रे के अंदर सर्व करूंगी। और ये हमारे मसालेदार भरवा करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।